खबर जोधपुर से, जहां पे कोरोना वायरस से बचाने के लिए कवायद तेज हो चुकी है। सीएम गहलोत की सक्रियता का नतीजा यहां पर सामने आया है। कल आधी रात जामनगर से जोधपुर पहुंची प्राण वायु, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाई गई प्राण वायु। दो ऑक्सीजन टैंकर जामनगर से लाए गए जोधपुर। वायुसेना के मालवाहक जहाज से जामनगर गए थे दो खाली टैंकर। देर रात भिवाड़ी से जोधपुर पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर। सीएम गहलोत की कवायद अब रंग लाती दिख रही है। तो देर रात भिवाड़ी से जोधपुर पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर। दो ऑक्सीजन टैंकर जामनगर से लाए गए जोधपुर। इस पे और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजीव गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, कोरोना से बचाने के लिए जो कवायद है वो तेज होती जा रही है, सीएम गहलोत की सक्रियता का नतीजा अब सामने आता जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है उससे और तेजी से भी सरकार और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त ऑक्सीजन सभी जगह मिले, उस सब जगह कोशिश कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि का जो धर्म है वो जोधपुर से जनप्रतिनिधि है, सदापुरा से विधायक है, सूबे के सीएम है, लिहाजा उन्होंने जिस तरीके से मॉनिटर किया, नतीजे सबके सामने। कल रात को जिस तरीके से दो टैंकर जामनगर से आए हैं, एक टैंकर भिवाड़ी से आया है, और मथुरादास माथुर अस्पताल के अलावा महात्मा गांधी अस्पताल और बोरेरा कोविड सेंटर पर ये ऑक्सीजन को डिप्लॉय किया गया, जिससे कि जहां जैसी जरूरत पड़े मरीजों की जान बचाई जा सके। देखिए, पहले उन्होंने कहा था मैं किसी को भूखा नहीं छोड़ने दूंगा, अब इस बार उन्होंने कहा कि इलाज के अभाव में किसी को मरने नहीं दूंगा, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सूबे के सीएम गंभीर है, जोधपुर के कलेक्टर इंद्रजीत सिंह से लेकर और साथ में बात के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल SS राठौड़ और तमाम जो अधिकारी इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि मरीजों की जान बचाई जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि जब 3000 करोड़ वैक्सीनेशन फ्री का जो घोषणा है उसका भी जोधपुर में जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है, चाहे पूर्व सांसद बलराम जाखड़ की बात करें या पूर्व विधायक नारायण मीणा की बात करें, हर कोई इनका स्वागत करा। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पूरी तरह से मुख्यमंत्री जो गंभीर है उसके चलते डाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से गंभीर है।